वेरी गुड मॉर्निंग मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, और इतनी सुबह आप जल्दी जग गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, है ना। स्टूडेंट लाइफ में ये बहुत अच्छी बात है कि जितनी जल्दी आप जग पाए। देखिए, सुबह जो पढ़ के आप चीजें याद करते हो ज्यादा अच्छी तरीके से आपको याद रहती है, तो रात में मान लीजिए कि अगर आप 12 बजे भी सोते हैं तब भी आप 5 बजे सुबह उठ के जग सकते हैं ना। जैसे मैं सुबह 4:30 बजे जग जाता हूँ, 4:30 बजे जगने के बाद एक घंटे में टहलता हूँ करीब 5-6 किलोमीटर, फिर योगा और एक्सरसाइज करता हूँ थोड़ी सी आधे घंटे के लिए, और उसके बाद फिर डेली रूटीन स्टार्ट होता है। तो थोड़ी सी चीजें आप करिए, आप इतना टाइम मत निकालिए कि 1.5 घंटे आप एक्सरसाइज के लिए निकालोगे, क्योंकि अभी आप पढ़ाई कर रहे हो ना। तो लेकिन 5-10 मिनट का टाइम निकालिए, उसके लिए वीडियो भी मैंने आपको बना के दी थी, है ना, कि दो एक्सरसाइज करिए बस केवल, आप एक कपालभाति और एक अनुलोम विलोम 5-5 मिनट के लिए बस, इतना आप करिए जरूर। तो बाकी जैसे हेल्थ अगर आपकी अच्छी रहेगी तो फिर पढ़ाई में मन लगेगा, हेल्थ ही नहीं अच्छी तो फिर पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। ओके बच्चों, तो वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह की चीजें याद भी ज्यादा रहती हैं। आज का नीटिवेशन आपने देखा था, कितने बच्चों ने देखा था, और सुबह अगर आप जग जाएंगे तो जोश भी आपका ही रहेगा। हाउ इज द जोश। हाँ, रिजल्ट भी आ जा रहा है। रिजल्ट भी आ जा रहा है बच्चों, और आज हम फेस टू का पेपर भी कर रहे हैं। अच्छा, पेपर का लेवल कैसा था ये बताओ, आप में से किसी बच्चे ने दिया हो तो नीट फेस वन और फेस टू के पेपर में कितना डिफरेंस लग रहा है, कौन सा पेपर कठिन था। वशीम, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। अच्छा, फेस टू वाला पेपर फेस वन से थोड़ा सा इजी है। अच्छा, फेस थोड़ा सा लेंदी था। ओके, ऑफलाइन स्टार्टेड बेटा 19 से क्लासेस शुरू हो जाएंगे, है ना, ऑफलाइन क्लासेस 19 से स्टार्ट हो जाएंगे। जो ऑफलाइन क्लासेस की डेट है मैं अनाउंस कर दूंगा जल्दी ही। अब रिजल्ट आ जाने, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं ना, तो रिजल्ट आ जाए उसके बाद ही स्टार्ट करते हैं बेटा, है ना। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पीडीएफ, अच्छा बायोनिट बेटा बुक का भी, ये फेस टू का पेपर हो गया, ये पेपर ऐड होके आ जाएगी, है ना, इस महीने के आखिर तक आ जाएगी ये बुक। तो मैं जरा पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ, है ना, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 8:30 बजे से संकल्प बैच की क्लास भी है ना। बायो का पेपर तो मुझे दोनों फेज वन और फेज टू में एकदम एक जैसा लगा, क्योंकि दोनों में ही एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर का था और बाकी 89 क्वेश्चन एनसीईआरटी के थे। तो बायो के पेपर में डिफिकल्टी लेवल एनटीए ने एकदम सेम ही रखा है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी मुझे लगता कि कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। हाँ, ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी तब भी भौकाली बैच को हम मैनेज करेंगे, है ना, कोशिश करेंगे कि बैच चलता रहे। हाँ रजनीश बेटा, संकल्प बैच में पीडीएफ मिल जाएंगे आपको, स्टार्ट करते हैं ना। चलो ठीक है, शुरू कर रहे हैं। सर्वन कह रहे हैं बीबीएस में सैलरी कब से स्टार्ट होता है। बेटा 4.5 साल का कोर्स होता है, उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप में 7,500 रुपये महीने मिलने लगता है, और उसके बाद अगर आप ज्वाइन करते हैं किसी कॉलेज में तो करीब 70-80 हज़ार रुपये केवल मिलने लगता है आपको। गवर्नमेंट में प्राइवेट ज्वाइन करेंगे तो 1-1.5 लाख रुपये कमा लेंगे, थोड़ा और मेहनत कर लेंगे, 8 की जगह 12 घंटे काम कर लेंगे तो 2-2.5 लाख रुपये कमा सकते हैं।
तो डिपेंड करता है, मतलब पैसे की कोई कमी थोड़ी होगी, पैसा आपके पीछे पीछे घूमेगा। संकल्प चलता रहेगा बेटा, संकल्प चलता रहेगा। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 172 दिखाई दे रहा है, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर दूं, जल्दी से बताओ मुझे, दिखाई दे रहा है कलर थोड़ा सा चेंज कर दूं। असल में हुआ क्या कि कल पीपीटी बन नहीं पाई है ना, क्वेश्चन टाइप को लेकिन पीपीटी नहीं बन पाई, तो सुबह जग के मैंने सारे एक एक क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये अभी मैंने पीडीएफ रविकांत से बनवाई तब, क्योंकि मैं चाहता नहीं था कि इसको मैं पोस्टपोन करूं आगे। क्लियर, ठीक, कलर ठीक है बेटा। अच्छा, मैंने टीचिंग कब से स्टार्ट की? टीचिंग मैंने स्टार्ट की बेटा 2012 से मैंने टीचिंग स्टार्ट की, दिख रहा है ना। चलो बताओ, सब क्वेश्चन एनसीईआरटी के, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर का था केवल एक क्वेश्चन सिंगल। प्रोजेस्टोजेन एलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन बी यूज्ड एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव इन द फॉर्म ऑफ, करें प्रोजेस्टोजन का अकेले या प्रोजेस्टोजन का एस्ट्रोजन के साथ यूज किया जाता है, करें पिल्स ओनली, गलत, इम्प्लांट ओनली, इंजेक्शन ओनली, पिल इंजेक्शन या इम्प्लांट किसी भी रूप में यूज किया जा सकता है, तो करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा, 179। इन कॉकरोच आइडेंटिफाई, हाँ तो मैं सेकेंड ईयर में था जब मैंने स्टार्ट कर दिया था, मतलब फर्स्ट ईयर में मेरा एग्जाम हुआ था, उसके बाद मैंने कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। इन कॉकरोच आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द फोर गट इन द करेक्ट सीक्वेंस, फोर गट इन द करेक्ट सीक्वेंस। कॉकरोच के गट में तीन पार्ट होते हैं, फोर गट, मिड गट और हाइंड गट, तो फोर गट में आपसे पूछा करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। क्वेश्चन का नंबर लिखते रहना, मैंने रैंडम इसीलिए दिया ताकि आप कहीं से चीटिंग ना कर पाओ, है ना। 179 ऐसे लिखना इसको। तो फोर गट में माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप और गिजर्ड, क्रॉप स्टोरिंग के लिए और गिजर्ड स्टोरेज के लिए। चलो ये देख लो, ये कलर अगर सही हो तो ये इस पे नहीं जा रहा है ना, ये ब्लैक कलर हो जाएगा इस तरह का। क्या ब्लैक पे सही दिखाई दे रहा है या व्हाइट पे ठीक है? अभी थोड़ा सा व्हाइट पीछे से आ रहा है ना, अभी ये आज कलर हो जाएगा ब्लैक, तो जो बीच में दिखाई दे रहा है ना वो दिखाई नहीं देगा, क्लियर आ जाएगा। ब्लैक ठीक है या व्हाइट? व्हाइट सही है ना, ये थोड़ा सा चुभ रहा है आपको। चलो ठीक है, व्हाइट कर दीजिए इसको। चलिए जल्दी से क्वेश्चन करते हैं, 7:45 हो चुका है, 8:30 बजे संकल्प वैश्विक क्लास भी है, वो नीट बूस्टर पे होगी। न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहां पर है? पी फॉर न्यूमोटैक्सिक्स, पी फॉर पॉन्स रीजन, यहां से मैच करवा दो। ऑक्सीजन डिसोसिएशन करो को किससे मैच कराओगे? हीमोग्लोबिन से, कार्बोनिक एनहाइड्रेट आरबीसी में होता है, प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वेलाई हो जाती है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? A2। ये देखो, एक मैच करवा लिया न्यूमोटैक्सिक सेंटर, बाकी कुछ करना ही नहीं आपको, करेक्ट आंसर आ गया नंबर 3। द रेट ऑफ डीकंपोजिशन इज फास्टर इन द इकोसिस्टम ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सेप्ट। The rate of decomposition is faster. Except पूछा है, मतलब कह रहे कहाँ पर decomposition का rate faster नहीं होगा? तो detritus, rigin, lignin and chitin, ये सही answer है। यहाँ पर decomposition का rate slow हो जाएगा, NCERT में आपको दिया गया। Select the incorrectly matched pair from the following. Incorrectly matched pair. Osteocyte bone की cell को कहते हैं, सही है?
कॉन्ड्रोसाइट स्मूथ मसल की सेल को कहते हैं, न्यूरॉन नर्व सेल को कहते हैं, फाइब्रोब्लास्ट एल्वियोलर टिश्यू में पाई जाती है, कॉन्ड्रोसाइट कार्टिलेज की सेल को कहते हैं, कार्टिलेज की जो सेल होती है बेटा उन्हें कॉन्ड्रोसाइट कहा जाता है, स्मूथ मसल की सेल को नहीं कहते हैं। तो इनकरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टू ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। द टोटल लंग कैपेसिटी इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्युमुलेटेड इन द लंग एट द एंड ऑफ ए फोर्स्ड इंस्पिरेशन, दिस इंक्लूड टीएलसी। टोटल लंग कैपेसिटी में चारों वॉल्यूम आ जाते हैं, मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम भी आ जाएगा, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ जाएगा, टाइडल वॉल्यूम भी आ जाएगा और आईआरवी भी आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 140 के लिए। 168, आरएनए इंटरफेरेंस इज यूज्ड फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में आरएनए इंटरफेरेंस का यूज किया जाता है किस काम के लिए, आरएनए इंटरफेरेंस कुछ याद आ रहा है, आरएनए इंटरफेरेंस टू डेवलप ए पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट अगेंस्ट इन्फेस्टेशन बाय द नेमेटोड मेलोडीगाइन इनकॉग्निसिया से टोबैको के प्लांट को बचाने के लिए आरएनए इंटरफेरेंस का तरीका यूज किया गया था। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, चलो जल्दी से बताओ कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा। संकल्प रिपीटर के लिए जनरली बनाया गया है। रिडक्शन इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एक्टिवेट जेजी सेल टू रिलीज रेनिन, सही है। एट्रियल नेट्रियोरेटिक फैक्टर इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर, नहीं, एनएफ डिक्रीज करता है। एंजियोटेंसिनेशन 2 इज द पावरफुल वैसोडायलेटर वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। काउंटर करंट पैटर्न ऑफ ब्लड फ्लो इज नॉट ऑब्जर्व इन वासारेक्टा, गलत है, वासारेक्टा में काउंटर करंट फ्लो होता है ब्लड का। तो इसका मतलब करेक्ट स्टेटमेंट ए हो जाएगा, बाकी तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। ड्यूरिंग मियोसिस 1 इन विच स्टेज सिनेप्सिस, मैंने कहा था ना कि हर साल ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, करें मियोसिस 1 में सिनेप्सिस कब होता है, तो इसके लिए मैंने कोड बताया था, लता जरा पानी दे दो और बिना सनम के किस्मत टेढ़ी, है ना। तो ये देखिए सिनेप्सिस कहां पर हो रही है, जाइगोटिन स्टेज में, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। Which of the following option does correctly represent the characteristic feature of the phylum Annelida? Annelida का characteristic feature आपसे पूछा गया, देखो जरा बताओ जल्दी से मुझे। Annelida का characteristic feature क्या है बेटा? Annelida कैसे होते हैं? Diploblastic तो नहीं होते हैं। Triploblastic unsegmented, नहीं segmented होते हैं। Triploblastic segmented and bilaterally symmetrical। तो option C यहाँ पर correct हो जाएगा। देखो एकदम सीधे-सीधे सवाल है। चलो ये भी देखो, एनिमल किंगडम का सवाल, एक्टिनोडाइट किसको कहते हैं? एक्टिनोडाइट पेंगुइन को कहा जाता है। टेरोपस क्या है? टेरोपस क्या है? फ्लाइंग फॉक्स, कॉमन नेम। टेरोफिलम एंजलफिश और पेट्रोमाइजोन लैम्फेरे है। तो ए को फोर्स से आपने मैच कराइए, देखो एक ऑप्शन आपने मैच करवा लिया, काम खत्म हो गया, दूसरा कुछ मैच कराने की जरूरत ही नहीं आपको। चलो ओवरी, ओवरी को किससे मैच कराओगे? ओवरी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा की बात करें, प्लेसेंटा से एससीजी। कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन। लेडी सेल एंड्रोजन। तो क्या ऑप्शन मैच करोगे? ए को टू से मैच कराया, बी को वन से, सी को फोर से और डी को थ्री से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए एक आप केवल मैच करवा लीजिए, बाकी आंसर अपने आप ही आ जाएगा यहाँ पर। ये भी मैचिंग का क्वेश्चन है, करीब 15-20 सवाल नीट में अब लगातार मैचिंग वाले पूछे जा रहे हैं। पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन कौन सा है बेटा? पिट्यूटरी हार्मोन कैसे होते हैं? पेप्टाइड या प्रोटीन नेचर के होते हैं। एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन की अगर हम बात करते हैं तो एड्रेनालिन क्या है बेटा? एड्रेनालिन क्या है? अमीनो एसिड, बायोजेनिक एमीन कहते हैं। कॉर्टिसोल क्या है? स्टेरॉइड। अभी एक बचा एंडोर्फिन, एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, तो एक बचा इसको न्यूरोपेप्टाइड का मैच करूंगा तो खत्म हो गया, है ना। एंडोर्फिन न्यूरोपेप्टाइड हो जाएगा, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बाद में रिवाइज कर सकते हो। तो अब मैच कर लो, क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी हार्मोन को थ्री से, ए को थ्री से मैच कराया, बी को फोर से मैच कराया, सी को
ए थ्री बी फोर सी को टू से और डी को वन से, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज आर नॉट क्यूरेबल, क्यूरेबल का मतलब जिनका इलाज नहीं, जिनको जिन बीमारियों को हम सही नहीं कर सकते हैं। तो कौन सी ऐसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जिसका इलाज नहीं है, जल्दी से बताओ कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, तीन मैंने बताई थी, एच एच एंड एच, याद है ना, एच एच एंड एच, हर्पीज, हेपेटाइटिस बी एंड एच आई वी, इन तीनों का कोई इलाज नहीं है। द प्रोटियोलिटिक एंजाइम रेनिन इज फाउंड इन, प्रोटियोलिटिक एंजाइम मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है रेनिन, और ये रेनिन कहां पर पाया था, गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है। चलो मैं, चलो टाइफाइड, टाइफाइड कौन कॉज करता है, साल्मोनेला टाइफी। मलेरिया कौन कॉज करता है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। निमोनिया कौन कॉज करता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। फाइलेरियासिस कौन कॉज करता है, उचेरिया बैनक्रॉफ्टाई। तो ए को डी से मैच कराया, वन को डी से मैच कराया, ये देखो एक को मैच करा दिया आपने, करेक्ट आंसर आपका आ गया टू का आंसर हो जाएगा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज, इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन लगातार इनब्रीडिंग कराने की वजह से फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, जिसे इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहा जाता है। रिड्यूस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी ड्यू टू कंटीन्यूअस क्लोज इनब्रीडिंग इज कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैच कराए, स्मूथ क्या कराएगा, स्मूथ कराता है लिपिड सिंथेसिस, रफ क्या कराता है प्रोटीन सिंथेसिस, गॉल्जी बॉडी क्या कराता है ग्लाइकोसाइलेशन, सेंट्रियोल स्पिंडल फॉर्मेशन। तो ए टू बी वन सी थ्री एंड डी फोर करेक्ट आंसर आ गया। ये देखो ए को वन से टू से थ्री से फोर से मैच कराएगा, आपने ए को टू से मैच करा लिया, बाकी कोई जरूरत ही नहीं, मतलब मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन एकदम फ्री वाले नंबर होते हैं। देखो फिर से ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई को मैच करो, ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई क्या करता है, गेट रिड ऑफ एफिड एंड मॉस्किटो। बैसिलस थुरिंजेंसिस, बैसिलस थुरिंजेंसिस बायो कंट्रोल एजेंट ऑफ लेपिडोप्टेरन प्लांट पेस्ट। ग्लोमस क्या है बेटा, ग्लोमस माइकोराइजल एसोसिएशन है, माइकोराइजल एसोसिएशन तो एब्जॉर्ब फास्फोरस फ्रॉम सॉइल, एंड बैकुलोवायरस क्या है, नैरो स्पेक्ट्रम हो जाएगा। तो ए को टू से मैच कराया आपने, बी को फोर से मैच कराया, सी को फाइव से मैच कराया और डी को थ्री से मैच कराया, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, एकदम सही है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, देखिए PCR is used for isolation and separation of a gene of interest. PCR का यूज isolation के लिए तो नहीं करते, electrophoresis का यूज करते हैं। Electrophoresis is for amplification of DNA segment, ये भी गलत है। Actually PCR यहाँ पे होना चाहिए था और electrophoresis यहाँ पे होना चाहिए था, दोनों गलत है। The polymerase enzyme join the gene of interest and vector DNA, नहीं ये तो ligase करता है बेटा ना, ligase का काम है। Restriction enzyme digestion are performed by incubating purified DNA molecule with the restriction enzyme of optimal condition. ये सही है, restriction enzyme digestion करता है DNA molecule का। तो यहां पर D answer आपका correct हो जाएगा 162 के लिए। Spooling age, ये देखिए भी biotech का सवाल, biotech से काफी सवाल आए थे इस पेपर में। Spooling क्या है, स्पूलिंग में क्या करते थे, जो चिल्ड इथेनॉल होता था उसमें डीएनए को डाल के प्रेसिपिटेट कराते थे और उसको बाहर निकालते थे। तो कलेक्शन ऑफ आइसोलेटेड डीएनए इज नेम्ड एज द स्पूलिंग प्रोसेस, स्पूलिंग। मैच द फॉलोइंग, चलिए देखिए गाउट, गाउट को मैच कराइए। गाउट में क्या होता है, गाउट इज द एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। टिटेनी में क्या होता है, टिटेनी में लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ए को थ्री से मैच कराया, बी को वन से मैच कराया, सी को टू से मैच कराया, है ना, और डी को फोर से मैच कराया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो ये देखो, ये भी मैच द फॉलोइंग। जीवन फेज में क्या होता है, देखो जीवन फेज में सेल ग्रोज एंड ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन, जी टू फेज में साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, एंड मेटाफेज इन एम फेज अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम। तो सीधे सीधे मैच कराना, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। ए वन बी टू सी थ्री एंड डी फोर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए करेक्ट आंसर आ जाएगा 180 में।
In human being, at the end of 12 week, यानी first trimester of pregnancy, the following is observed. 12 week की pregnancy के बाद क्या होता है? Movement of fetus क्या होता है? 5th month के बाद में, है ना? तो most of the major organ system are found, जैसे कि external genitalia well developed हो जाते हैं, ये सब NCRT की लाइनें हैं बेटा, सब NCRT की लाइन, चलो फिर से मैच कराओ. Human physio में ज्यादातर matching type के question पूछे गए, चाहे NEET phase 1 में देखिए, चाहे NEET phase 2 में देखिए. Rod and cone, rod and cone क्या होती है? These are the photoreceptor cell. Blind spot क्या है? Absence of photoreceptor cell. Fovea क्या है? Cones are densely packed and iris क्या है? Visible colored portion of eye. तो A को 3 से match कराया, A3, B1, C2 and D4. Correct answer क्या हो जाएगा? B correct answer हो जाएगा. Which of the following condition called erythroblastosis fetalis? Erythroblastosis fetalis कौन कॉज, कब होता है, कौन सी condition, mother कैसी होनी चाहिए, Rh negative, और fetus कैसा होना चाहिए, Rh positive अगर है तो उस केस में erythroblastosis fetalis हो सकता है. Select the correct option of haploid cell from the following group. Primary spermatocyte कैसी होती है? Primary spermatocyte 2N होती, secondary spermatocyte N होती, second polar body N होगी. Primary oocyte 2N हो जाएगी, secondary oocyte N हो जाएगी, spermatid N हो जाएगा. Secondary spermatocyte N, first polar body N, ovum N. Spermatogonia 2N, primary spermatocyte 2N, spermatid N. तो करेक्ट कौन सा ऑप्शन है जहां पर सारी सेल हैप्लोइड है? तो सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा 160 के लिए. ए होमोनिड फॉसिल डिस्कवर्ड इन जावा इन 1891, नाउ एक्सटिंक्ट, हैविंग क्रेनियल कैपेसिटी अबाउट 900 सीसी. तो जावा एप मैन कौन है? होमो इरेक्टस को ही जावा एप मैन कहा जाता है, ये भी एनसीईआरटी का ही पॉइंट है. द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पेलियोट्रॉपी, पेलियोट्रॉपी के दो एग्जांपल हैं, एक है सिकल सेल एनीमिया जो आपको इस ऑप्शन में दिया नहीं गया है. सिकल सेल एनीमिया भी पेलियोट्रॉपी का एग्जांपल है, और जो फिनाइल केटोन्यूरिया है ये भी पिलियोट्रॉपी का एग्जांपल है. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा. साइक्लोस्पोरिन ए यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, खूब पूछा था, साइक्लोस्पोरिन ए किससे मिलता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, जो कि ड्यूटेरोमाइसिडस फंगस है, इससे साइक्लोस्पोरिन ए नाम की दवाई मिलती है. चलो गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग जो देर में है उनको भी गुड मॉर्निंग. Air Act was amended in 1987 to include among pollutant. तो Air Act में जो amendment किया गया था उसमें noise को air pollution के तौर पे, air pollutant के तौर पे add किया गया था. First discovered restriction endonuclease that always cut DNA molecule at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pair H. तो पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा था? सीधा सवाल है, हिंदी 2. पढ़ने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए, हिंदी 2. चलो बताओ, प्लेटी हेलमिंथ किससे मैच कराओगे? बायलैटरल सिमेट्री विद इनकंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इकाइनोडर्म. रेडियल सिमेट्री विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, हेमीकॉर्डेट. सिलेंड्रिकल बॉडी विद नो सेगमेंटेशन एंड बर्ड. एप्स की बात करें, वार्म ब्लडेड एनिमल विद डायरेक्ट डेवलपमेंट. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? A3. ये देखिए, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. हार्मोन स्टोर्ड एंड रिलीज फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस आर न्यूरोहाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी. पोस्टीरियर पिट्यूटरी कौन से हार्मोन को स्टोर और रिलीज करती है? दो हार्मोन, एक तो ऑक्सीटोसिन और दूसरा वैसोप्रेशन. वैसोप्रेशन को ADH भी कहा जाता है ना, एंटी डायुरेटिक हार्मोन. चलिए कॉलम मैच करिए जल्दी से. यहां पर एक्वापोरिन, एस्पराजिन, एब्सेसिक एसिड एंड काइटिन. तो एक्वापोरिन, चलो इसको छोड़, एस्पराजिन क्या? एस्पराजिन एमाइड अमीनो एसिड है. एब्सेसिक एसिड कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव है. काइटिन एक पॉलीसेकेराइड, तो एक ही बचा एक्वापोरिन. प्रोटीन है, और प्रोटीन किससे बनी होती है? प्रोटीन एक्चुअली पॉलीपेप्टाइड है, यानी अमीनो एसिड से बनी होती है. तो ए को 3 से आपने मैच कराया, बी को 1 से, A3, B1, C4 एंड D2. करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट ऑप्शन होगा, सब एनसीईआरटी से. द फिनोमिनन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन ए गिवन जियोग्राफिकल एरिया
स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट, स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट और फिर ये स्प्रेड करते हैं अलग अलग एरिया में, ऐसे फिगर में बना के हमेशा समझाता हूँ, दैट इज कॉल्ड एडॉप्टिव रेडिएशन। ए स्पीसीज विच वॉज इंट्रोड्यूस फॉर ऑर्नामेंटेशन, मतलब सजावटी प्लांट के लिए यूज किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन ये खतरनाक वीड में चेंज हो गया। तो आप जानिए कि खूबसूरत फ्लावर के लिए है ना, और शेप ऑफ लीफ के लिए किसे इंट्रोड्यूस किया गया था, आइकॉर्निया क्रेसिपस यानी जलकुंभी को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, इसे टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। ई कोलाई हैज ओनली 4.6 मिलियन बेस पेयर एंड कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद इन 18 मिनट। देन द एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन इज अप्रोक्सीमेटली, एनसीईआरटी में सीधा डेटा दिया गया है, एवरेज ट्रेस कितना होता है 2000 बेस पेयर पर सेकंड। Who coined the term kinetin? Kinetin term किसके द्वारा दिया गया था? NCERT में आपको दिया गया। Kinetin term किसके द्वारा दिया गया? Skoog और Miller के द्वारा दिया गया। The size of pleuroneumonia-like or PP yellow, ये NCERT ने फिगर में केवल बताया है। PP yellow mycoplasma का साइज NCERT ने लैंग्वेज में बताया है कि mycoplasma 0.3 माइक्रोमीटर का होता है और PP yellow का साइज NCERT ने दिया 0.1 माइक्रोमीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 148 में ए ऑप्शन। Which of the following is associated with the decrease in cardiac output? Cardiac output को कौन कम करता है? Adrenal motility hormone तो बढ़ाते हैं, sympathetic nervous system भी बढ़ाता है, pneumotactic center भी बढ़ाता है, जो parasympathetic neural signal होते हैं ये cardiac output को कम करते हैं क्योंकि ये हार्ट बीट को डिक्रीज करने का काम करते हैं। Which of the following statement about cork cambium is incorrect? चलिए करिए, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है आपके, लेकिन पानी की कमी को कैसे आप पहचान सकते हो? अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी तो कैसे पता चलेगा? सबसे कॉमन सिम्टम क्या है जानते हैं आप? इट इज ए कपल लेयर थिक, सही है, कपल ऑफ लेयर थिक, ये सही है। इट फॉर्म सेकेंडरी कॉर्टेक्स ऑन इट्स आउटर साइड, इट फॉर्म ए पार्ट ऑफ पेरिटर्म, बिल्कुल पेरिटर्म का एक हिस्सा है। It is responsible for formation of reticle, ये भी सही है। जो secondary cortex होता है बेटा वो inner side बनता है, outer side में cork बनता है, जिसका मतलब जो ये statement है ये गलत है, यहाँ पर B statement। अरे सिद्धि बेटा मैंने constipation बोल दिया तो वही answer आपको नहीं करना है, कब्ज, ठीक है, खांसी, dehydration से खांसी होने लगी। Identify the statement which is incorrect. इनमें से कौन सा statement incorrect है? Tyrosine possesses aromatic ring structure. Tyrosine, tryptophan, ये सब कैसे हैं? Aromatic amino acids, सही है। Sulfur is an integral part of cysteine, ये भी सही। Sulfur और methionine, sulfur cysteine और methionine में पाया जाता है। Glycine is an example of lipid, नहीं glycine तो amino acid है। Lecithin contain phosphorus atom in its structure, ये भी सही है, तो C option यहाँ पर गलत हो जाएगा। अच्छा, खूब तुक्के लगा लो। अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी तो आपको सबसे अच्छा जो सिम्टम मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके ओंठ लिप्स सूख रहे हैं तो इसका मतलब बॉडी में पानी की कमी। अगर आपको लिप गार्ड लगाने की जरूरत पड़ रही है इसका मतलब पानी की कमी है। पानी जब आप पीते रहेंगे रेगुलरली तो आपको लिप गार्ड कभी भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिप गार्ड तभी आप यूज करते हैं जब आपके ओंठ फटते हैं, और ओंठ तब फटते हैं जब बॉडी में पानी की कमी होती है। चलिए, अकॉर्डिंग टू सीपीसीपी व्हाट साइज ऑफ पार्टिकुलेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ग्रेटर हार्म टू ह्यूमन हेल्थ। तो 2.5 माइक्रोमीटर या इससे लेस साइज के जो पार्टिकुलेट होते हैं वो ज्यादा नुकसान हो जाते हैं, यानी सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। इन ग्लाइसिन मैक्स, अब ये नाम एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, एनसीईआरटी ने लिखा है सोयाबीन, सोयाबीन, तो ये मैंने इंस्ट्रक्शन में लिख के दिया सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स। द प्रोडक्ट ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रूट नोड्यूल टू अदर पार्ट। अब अगर ग्लाइसिन मैक्स आपको नहीं पता सोयाबीन, तो फिर आप यूराइड आंसर नहीं कर सकते, क्योंकि एनसीईआरटी में यूराइड सोयाबीन के लिए लिख के दिया गया जबकि पूछा ग्लाइसिन मैक्स गया है।
Which of the following element help in the maintaining the structure of ribosome? Ribosome के structure को कौन maintain करता है? Magnesium ion की requirement होती है 0.001 molar magnesium ion concentration. चलिए herbivore और plant के बीच की जो relationship है क्या? Herbivore और plant के बीच की relation क्या है? Predation. Mycorrhiza और plant क्या है? Mutualism. Sheep और cattle ये तो दिया नहीं गया incentive. Orchid और tree के बीच में क्या है? कमेंसलिज्म हो जाएगा. तो बाकी जो बचा सीप कैटल कंपटीशन कर लो अपना सीप और कैटल के बीच में. हाँ दोनों हर्बीवर है तो इनके बीच कंपटीशन होगा. सही है. तो ए को थ्री से मैच कराइए. देखिए ए को थ्री से मैच करा दीजिए आपका आंसर आ गया. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फास्फोरस साइकिल? फास्फोरस साइकिल के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है? फास्फोरस साइकिल के लिए इट इज सेडिमेंटरी साइकिल. सही है. फास्फेट आर द मेजर फॉर्म ऑफ द फास्फोरस रिजर्वायर. ये भी सही है. फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया फैसिलिटेट द रिलीज ऑफ फास्फोरस फ्रॉम ऑर्गेनिज्म. ये भी सही है. देयर इज एप्रिसिएबल रेस्पिरेटरी रिलीज ऑफ फास्फोरस इन एटमॉस्फेयर. ये गलत है बेटा. फास्फोरस साइकिल में रेस्पिरेटरी रिलीज नहीं होता. कार्बन साइकिल में रेस्पिरेटरी रिलीज होता है. All vertebrate are chordate, but all chordate are not vertebrate. Why आपसे पूछा गया है कि सारे vertebrate chordate हैं, लेकिन सारे chordate vertebrate नहीं. क्यों? पहला ऑप्शन लिखा कि all chordate possess notochord through their life. सभी chordate में पूरी जिंदगी पर notochord होता है. नहीं. Notochord is replaced by vertebral column in adult of some chordate. बिल्कुल यही सही आंसर है. नोटोकॉर्ड कुछ कॉर्डेट में वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है. और जिनमें रिप्लेस कर दिया जाता है वो वर्टिब्रेट कहलाते हैं. और जिनमें नहीं रिप्लेस होता वो इनवर्टिब्रेट कहलाते हैं. इसीलिए सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं हो सकते क्योंकि सभी में वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता. फ्रूट राइपनर इथाइलिन होता. और इथाइलिन के लिए कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं? इथेफोन का यूज करते हैं. हर्बिसाइड 2,4-D होता है. बॉल्टिंग एजेंट माल्टिंग एंड बॉल्टिंग हमेशा मैं कहता हूँ. देखिए जिब्रेलिक एसिड है ना और स्ट्रेस हार्मोन एब्सिसिक एसिड को कहा जाता है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? A4 B3 C2 and D1. करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा. चलिए भी मैच करिए कॉलम कॉकरोच के लिए. देखिए कॉकरोच का दूसरा सवाल है. एक तो माउथ पार्ट वाला था फोरगट वाला है. दूसरा सवाल है ग्राइंडिंग ऑफ द फूड पार्टिकल. ग्राइंडिंग करने का काम कौन करता है? प्रोवेंट्रिकुलर जिसे गिजर्ड भी कहते हैं. अब अगर आपने इस टॉपिक को सही से नहीं पढ़ा होगा तो आप कर नहीं पाओगे. सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस. गैस्ट्रिक जूस कौन सिक्रीट करता है? हिपेटिक सीका है गैस्ट्रिक सीका. 10 पेयर क्या होते हैं? स्पाइरिकल पाए जाते हैं. और एनल सिराई की बात करें तो 10 सेगमेंट में पाई जाती है. एलरी मसल का रिलेशन हार्ट से होता है. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए को आपने 3 से मैच करा लिया बस खत्म. ये को 3 से मैच करा ये काम खत्म हो गया. Which of the following statement is incorrect about the gymnosperm? Their seed are not covered. सही है. They are heterosporous. सही है. Male and female gametophyte are free living. नहीं बेटा. Male और female gametophyte free living नहीं होते हैं. Dependent होते हैं. Most of them have narrow leaf with thick cuticle. ये भी सही. तो गलत statement यहाँ पर 3 हो जाएगा. Next answer करिए. Which of the following is basis of genetic mapping of human genome as well as DNA fingerprinting? Basis of genetic mapping of human genome as well as DNA fingerprinting, that is the polymorphism in DNA sequence. Polymorphism in DNA sequence ही होगा. SNP नहीं होगा बेटा. C option नहीं होगा. ये तो SNP है. Single nucleotide polymorphism. Polymorphism in the DNA sequence is the basis. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 124. आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर ऑफ मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट. मैंगो और कोकोनट फ्रूट के लिए करेक्ट फीचर आपको बताना है. चलिए जल्दी से बताइए क्या करेक्ट फीचर होगा. इन बोथ फ्रूट इज ए ड्रूप. करें दोनों में जो फ्रूट होता है वो ड्रूप होता है. सही है. एंडोकार्प इज एडिबल इन बोथ. दोनों में एंडोकार्प एडिबल होता है. नहीं. मीजोकार्प मैंगो में एडिबल होता है. कोकोनट में एंडोस्पर्म जो होता है वो एडिबल पार्ट होता है. मीजोकार्प इन कोकोनट इज फाइब्रस एंड मैंगो इट इज फ्लेसी. ये भी सही है. इन बोथ फ्रूट
डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पिलरी और एबी से करेक्ट ऑप्शन आपसे पूछा है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? 134 ओनली बी गलत है यहाँ पर, है ना, तो ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा, 2 सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। फॉर द कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब इज यूज्ड, कौन से माइक्रोब का यूज किया जाता है? सिट्रिक एसिड के लिए, तो सिट्रिक एसिड को कौन प्रोड्यूस करता है? एस्परजिलस नाइगर प्रोड्यूस करता है, एस्परजिलस नाइगर। द इंक्रीज इन ऑस्मोलैरिटी फ्रॉम आउटर टू इनर मिडलरी इंटरस्टिशियम इज मेंटेन्ड ड्यू टू, आप जानते हैं कि कॉर्टेक्स में 300 मिली ऑस्मोल की ऑस्मोलैरिटी होती है और मिडला में 1200, तो ये करें इंक्रीज्ड ऑस्मोलैरिटी किसकी वजह से होती है? पहला ऑप्शन दिया गया क्लोज प्रॉक्सिमिटी बिटवीन हेनलेज लूप एंड वासरेक्टा, सही है। दूसरा दिया गया काउंटर करंट मैकेनिज्म, ये भी सही है। तीसरा दिया गया कि सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन एंड पीसीटी, और चौथा दिया गया हाई ब्लड प्रेशर एंड ग्लोमेरुलर कवरेज, तो पहले दो ऑप्शन यहां पर सही हो जाएंगे। द इंक्रीज इन ऑस्मोलैरिटी, हां तो पहले दो ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी क्लोज प्रॉक्सिमिटी एंड काउंटर करंट, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। बेटा पिछले क्वेश्चन में थर्ड इसलिए सही नहीं क्योंकि एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है। पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्ड, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है? पाइरुविक एसिड को स्टाइल कोएंजाइम ए में चेंज करता है, और इसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होती है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंटीबायोटिक आर यूज्ड, एंटीबायोटिक का ये क्वेश्चन जब नीट 2013 में पूछा गया था तो इसका आंसर था एस सेलेक्टेबल मार्कर, जो कि गलत था। यहां पर भी कई सारी कोचिंग वाले इसको सेलेक्टेबल मार्कर दे रहे हैं जो कि गलत है। एंटीबायोटिक का यूज करते हैं टू कीप मीडियम बैक्टीरिया फ्री। देखिए सेलेक्टेबल मार्कर हमेशा जीन होगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन सेलेक्टेबल मार्कर होता है, तो यहां पर बी करेक्ट आंसर होगा। हाँ, आज रिजल्ट आ जाएगा अंजलि बेटा। फाइको एरिथ्रिन इज द मेजर पिगमेंट इन क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी और फाइको एरिथ्रिन मेजर पिगमेंट होते हैं रेड एल्गी में। द बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए करें, ये देखिए राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस कहां पर होती? सीधा सवाल है, न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस होती है। In a polynucleotide chain of DNA, a nitrogenous base is linked to the OH of nitrogenous base, कहाँ पर link होता है? Nitrogenous base, polynucleotide chain में nitrogenous base link होता है sugar के 5' carbon of pentose sugar से link होता है, कौन? Nitrogenous base। Next question देखिए। नाइट्रोजनस बेस्स ये पेंटोस शुगर, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 बेस यहां पे है ना, ये बेस होता है, 5' पे फॉस्फेट जुड़ता है तो बेस 1' पे हुआ ना, तो ये ऑप्शन होगा यहां, ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है,
तुम लोग बस जो बता दो वही तुम भी गाना गाने लगते हो। ठीक है चलो। आई इनहिबिटरी सब्सटेंस इन द डोरमेंट डोरमेंट सीट डोरमेंसी जिन सीट में उनमें पूछा गया कैन नॉट बी रिमूव बाय सब्जेक्टिंग सीट टू। चिलिंग कंडीशन से डोरमेंसी को रिमूव कर सकते हैं बिल्कुल, जिब्रेलिक एसिड से भी कर सकते हैं, नाइट्रेट से भी कर सकते हैं, लेकिन जो एस्कॉर्बिक एसिड एनसीईआरटी में दिया गया कि पैरा एस्कॉर्बिक एसिड तो डोरमेंसी कॉज करता है। एब्सेसिक एसिड हो गया, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, ये डोरमेंसी कॉज करते हैं, रिमूव नहीं करते हैं डोरमेंसी को। चलिए ये क्या है, करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ लिलिएसी। लिलिएसी का करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला आपसे पूछा गया है, तो ये दिखाई नहीं दे रहा क्लियर। आपको पता ही फ्लोरल फॉर्मूला क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल है ना। यहाँ पर पेरियंथ पाया जाता है, पेरियंथ क्या होता है 3+3 है ना, फिर एंड्रोशियम 3+3, फिर गाइनोशियम 3, सिनकार्पस और यहाँ पर एपिटेप्लस कंडीशन पाई जाती है। ये फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर क्लियर। 430 नंबर एसटी कैटेगरी में अगर आ रहे हैं, हाँ उम्मीद तो है कि हाँ हो जाना चाहिए बेटा। वैसे 440 नंबर मैंने बोला था। लार्ज एम्पटी कलरलेस सेल ऑफ द एडेक्सियल एपिडर्मिस अराउंड द वेन ऑफ ग्रास लीवर, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एनाटॉमी में आपको बताया गया है क्या कहते हैं, बुल्ली फॉर्म सेल के नाम से जाना जाता है। क्वालिफाइंग स्कोर मान के चलिए कि करीब 110 नंबर के आसपास होगा। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय, ये क्वेश्चन परसों मैंने कराया था जब संकल बैच की क्लास हो रही थी आपके ऐप पे, तो बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछा था कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस अगर एनसीईआरटी में क्या लिखा, सटन लिखा है, मैंने कहा था सटन बावेरी दोनों करना है, और देखिए ये उसी दिन पेपर में आया भी। तो सटन एंड बावेरी के द्वारा दी गई क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। रुबिस्को एक्शन रिक्वायर एटीपी एंड एनएडीपीएच, इनकरेक्ट पूछा। रुबिस्को के लिए एटीपी और एनएडीपीएच की जरूरत होती है, बिल्कुल ठीक है। रुबिस्को इज ए बाईफंक्शनल एंजाइम, बाईफंक्शनल ये भी सही है। इन C4 प्लांट द साइट ऑफ रुबिस्को एक्टिविटी इज मेसोफिल, रुबिस्को की एक्टिविटी तो बंडल सीट में होती है तो ये गलत है। द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फॉर रुबिस्को एक्टिविटी इज 5-carbon compound, यस 5-carbon compound होता है, दैट इज RUPP, 5-carbon का कंपाउंड। तो करेक्ट इनकरेक्ट पूछा ना, तो सी ऑप्शन यहां पर इनकरेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। किस चीज का टाइम बेटा, हाँ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन अभी मैं पढ़ाऊंगा, अभी संकल बैच की क्लास पर 10 मिनट में होने वाली है बेटा, है ना, इसको हम कंप्लीट करते हैं। यहां भी इनकरेक्ट आपसे पूछा गया। एलिमेंट मोस्ट इजीली मोबिलाइज्ड इन प्लांट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर आर फास्फोरस सल्फर नाइट्रोजन एंड पोटेशियम, सही है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल इन फ्लोएम कैन बी बाई डायरेक्शनल, ये भी सही। मूवमेंट ऑफ मिनरल इन जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल, ये भी सही है। अनलोडिंग ऑफ सुक्रोज एट सिंक डज नॉट इन्वॉल्व यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी, गलत है। मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि चाहे लोडिंग पूछा जाए चाहे अनलोडिंग पूछा जाए, दोनों ही एक्टिव प्रोसेस है, दोनों में एनर्जी खर्च होती है। ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन व्हेन इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर एट PS2, What is the source which replaces these electron? तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कहां से आते हैं, वाटर की स्प्लिटिंग से, है ना। वाटर की जब स्प्लिटिंग होती है तो यहां से प्रोटॉन रिलीज होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं प्लस ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाते हैं NADPH को बनाने में वो वाटर से आ जाते हैं, वाटर रिप्लेस कर देता है। In a mitotic cycle, the correct sequence of phases, बहुत पूछा गया, G1, SG2M, ये correct sequence है mitotic cell cycle के लिए। Embryological support for evolution, ये NCERT में जो नया topic add किया गया था, supplementary वाला, वहाँ से पूछा गया है। तो embryological support for evolution given by Ernest Haeckel, Carl Ernest von Baer ने इसको क्या किया था, disprove किया था, और इसका सपोर्ट किसने किया था, अर्नेस्ट हेकल ने इसका सपोर्ट किया था। द टर्म न्यूक्लियन फॉर द जेनेटिक मटेरियल वाज गिवन बाय, न्यूक्लियन टर्म डीएनए के लिए दिया गया था किसके द्वारा, फ्रेडरिक मिशर के द्वारा। फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए की खोज की थी कब, 1869 में डीएनए की खोज हुई थी। इन ए मिक्सचर
डीएनए फ्रेगमेंट आर सेपरेटेड बाय बायोटिक के काफी क्वेश्चन पूछे थे इस पेपर में एनटीए मिक्सचर में डीएनए के फ्रेगमेंट को कैसे सेपरेट करते हैं। भौकाली पैच की क्लास बेटा मंडे टू फ्राइडे आपकी चलती रहेगी सुबह 7:30 से 8:30 तक, क्लियर। और सैटरडे के लिए एक प्लान मैं और कर रहा हूँ, एक नई सीरीज में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उसके बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन की एक और सीरीज में लाने वाला हूँ नीट वेदा, है ना। तो नीट वेदा के बारे में आज मैं अनाउंस करूंगा और बायो के टीचर्स और मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा, जिनकी एक सीरीज और चलेगी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो उनसे भी मैं जल्दी आपको मिलवाने वाला हूँ। प्राइवेट बीएमएस के लिए बेटा, प्राइवेट बीएमएस तो आपका 200 नंबर भी है तब भी प्राइवेट बीएमएस मिल जाएगा। फ्रेगमेंट को कैसे सेपरेट करते हैं, एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। इन मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट का इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस कहां नहीं होता, जिम्नों में नहीं होता, और एनजीओ जो सीड प्लांट है वहां पर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस गैमेटोफाइट का नहीं होता है। इंक्लूजन बॉडीज ऑफ ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इंक्लूजन बॉडी आपको याद होगा ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइशियल ग्रेन्यूल एंड गैस वेहिक्यूल, ये सब क्या है, इंक्लूजन बॉडी के एग्जाम्पल है। अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने क्या बताया था कि स्पीसीज रिचनेस गोज ऑन इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन, सही तो है लेकिन पूरा नहीं सही है। स्पीसीज रिचनेस इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एरिया बट ओनली अप टू ए लिमिट, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सब क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन को छोड़कर। इन सम प्लांट थैलमस कंट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन, सच फ्रूट आर टर्म्ड एज एप्पल, कैसे स्ट्रॉबेरी में थैलमस फ्रूट के फॉर्मेशन में कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, इन्हें फॉल्स फ्रूट कहा जाता है, फॉल्स फ्रूट। अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम बिकम एविडेंट टू, करें जो क्रोमोसोम होते हैं बेटा क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ में, ये सेंट्रोमियर है और इसके काइनेटोकोर है, यहां पर स्पिंडल फाइबर अटैच करते हैं, कब अटैच करते हैं, मेटाफेज स्टेज में अटैच करते हैं। The number of contrasting character studied by Mendel for his experiment. अभी संकल्प बैच में आपको पढ़ाएगा और आपको याद भी होगा कितने contrasting character लिए थे, 7 contrasting character का Mendel ने यूज किया था। Which of the following is incorrect about cyanobacteria? They have chlorophyll A similar to green plant, सही है। They are photoautotrophs, सही। They lack heterosis, इनमें heterosis नहीं होती है, नहीं, cyanobacteria में heterosis पाई जाती है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल प्ले करती है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम इन पोल्यूटेड वाटर बॉडी, ये भी सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर विंड पॉलिनेटेड प्लांट, विंड पॉलिनेटेड प्लांट के लिए कौन सी बात गलत है, पोलन ग्रेन आर लाइट एंड नॉन स्टिकी, सही है। वेल एक्सपोज स्टेमेन एंड स्टिग्मा, ये भी सही है। मेनी ओव्यूलिन ईच ओवरी, नहीं, सिंगल ओव्यूलिन ईच ओवरी। फ्लावर आर स्मॉल एंड नॉट ब्राइटली कलर्ड, ये भी सही, तो सी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। The impact of immigration on population density. Immigration में किसी भी population के अंदर individual enter करते हैं और जब individual enter करेंगे तो population density क्या होगी, बढ़ेगी, यानी positive impact पड़ेगा। E-migration का negative impact पड़ता है। इनमें से कौन सा statement गलत है, energy content gradually decreases from first to fourth trophic level, बिल्कुल सही है। बायोमास डिक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, ज्यादातर जो पिरामिड अपराइट होते हैं इसलिए बायोमास एनर्जी दोनों घटते हैं। एनर्जी कंटेंट ग्रेजुअली इंक्रीजेस, एनर्जी कभी भी ट्रॉफिक लेवल में इंक्रीज नहीं कर सकती है, तो सी ऑप्शन यहां पर गलत हो जाएगा। इन द फॉलोइंग ऑफ ईच सेट ए कंजर्वेशन अप्रोच एंड एन एग्जाम्पल ऑफ मेथड ऑफ कंजर्वेशन आर गिवन, है ना, देखिएगा। इन सीटू कंजर्वेशन बायोस्फीयर रिजर्व, सही है। एक्स सी टू कंजर्वेशन सेक्रेट रू, नहीं, सेक्रेट रू इन सी टू है। इन सी टू कंजर्वेशन सीड बैंक गलत है क्योंकि ये एक्स सी टू है। एक्स सी टू कंजर्वेशन क्रायो कंजर्वेशन, ये सही है। तो आपसे पूछा करेक्ट मैच कौन सा है, तो करेक्ट मैच है ए और डी, है ना, ए और डी करेक्ट मैच है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट पोजिशन ऑफ फ्लोरल पार्ट ओवर थैलमस इन मस्टर्ड प्लांट एज, मस्टर्ड प्लांट के बारे में पूछा, तो मस्टर्ड प्लांट में क्या लिखा, गायनोशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर
and other part of flower are located at the rim of the thalamus at the same level. नहीं, मस्टर्ड में क्या कंडीशन होती है? हाइपोगाइनेसेंस सुपीरियर ओवरी, हाइपोगाइनेसेंस सुपीरियर ओवरी. तो गाइनोशियम ऑक्युपाइज एट द हाईएस्ट पोजीशन व्हाइल अदर पार्ट आर सिचुएटेड बिलो इट. यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा यहां पर. मैच द फॉलोइंग टेक्निक और इंस्ट्रूमेंट विद देयर यूजेस. चलिए देखिए, बायोरिएक्टर, बायोरिएक्टर का यूज देखिए क्या है. बायोरिएक्टर का यूज किस लिए करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट. इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्या यूज है? इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, पीसीआर, डिटेक्शन ऑफ पैथोजन बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन. नहीं नहीं, एक मिनट, ये मैं क्या बता रहा हूँ, पीसीआर तुम लोग बता भी नहीं रहे हो ना लायक. पीसीआर एम्पलीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, या न्यूक्लिक एसिड डीएनए के एम्पलीफिकेशन के लिए. एलाइजा, डिटेक्शन ऑफ पैथोजन बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन. तो क्या मैचिंग बनेगी यहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा A2 A2 B1 C4 and D3. ठीक, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा. अमार, हाँ, 597 पे बेटा पॉसिबिलिटी तो बनती है ना. तो ये आपके क्वेश्चन हो गए बेटा, है ना. इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी और 2 मिनट के बाद आपकी संकल्प बैच की क्लास शुरू होने वाली, जो कि नीट बूस्टर पे होगी. नीट बूस्टर पे जो बेटा क्लास चल रही है वो अभी 2-3 दिन के लिए फ्री चलेगी. तो नीट बूस्टर पे आप आइए, नीट बूस्टर ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पे जाके. नीट बूस्टर को डाउनलोड करने के बाद आप जाएंगे लाइव क्लास के सेक्शन में. लाइव क्लास में संकल्प बैच होगा. संकल्प बैच पे क्लिक करेंगे तो आपको ट्रायल क्लास दिखाई देंगी. ट्रायल क्लास में बायो की क्लास अभी होगी 8:30 बजे से, जहां पर मैं जेनेटिक्स पढ़ा रहा हूँ. और आज मैं अभी लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बारे में आपको बताऊंगा. क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो कि दी गई थी साटन एंड पावेरी के द्वारा, उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मॉर्गन ने दिया था, इसके बारे में आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ. दूसरी चीज, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास होती है उनकी टाइमिंग भी आप जान लीजिए. संकल्प बैच में इनकी टाइमिंग होती है 5:00 और 6:30 बजे. 5 बजे केमिस्ट्री और 6:30 बजे फिजिक्स की क्लास होती है. और जो भौकाली बैच है, जिसकी क्लास इस समय आप कर रहे हैं, भौकाली बैच की क्लासेस मंडे टू फ्राइडे चलती है. संकल्प और प्रारंभ बैच की क्लासेस मंडे टू सैटरडे चलती है. संडे को सारे बैचेस का टेस्ट होता है. तो अब जो आपका भौकाली बैच है, इसकी बायो की क्लास कितने बजे होती है? 7:30 बजे सुबह. केमिस्ट्री की क्लास 3 बजे दोपहर में और फिजिक्स की क्लास 4 बजे दोपहर में होती है. तो आज 3 और 4 बजे भी आपकी क्लासेस होंगी फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, उनको भी आप ध्यान रखिएगा. ठीक है, तो ठीक है, चलो हम लोग ऐप पे मिलते हैं बेटा, नीट बूस्ट ऐप पे. ठीक है, जल्दी से लाइक करिए अगर आपने लाइक नहीं किया सेशन को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि सारे अपडेट आपको मिलते रहें. नए बैच के और नए टीचर के हम अनाउंसमेंट करने ही वाले हैं, तो इसके लिए आप चैनल पे जुड़े रहेंगे. बेस्ट ऑफ लक. तो ठीक है, बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नीट बूस्टर ऐप पे 2 मिनट में.